हेलो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लोगों का फॉर्म भरूँगा शुरू से लेके लास्ट तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक। आप लोगों का वेरीफाई होगा आधार कार्ड और यहाँ पे वेरीफाई होगा आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक एक स्टेप देखना है, एक एक पूरा वीडियो फॉलो करना है। आप लोग रिन्यूअल का फॉर्म भर लोगे, और रिन्यूअल किस चीज़ का, किस क्लास का वो बता दूँ, ITI, BTech, BA, BSc, MTech, एम फार्मा, ये सारे जो क्लास हैं आप लोग सभी क्लास के रिन्यूअल सेम होते हैं, कुछ चेंजमेंट ज़्यादा नहीं होता, बाकी सब सेम होते हैं दोस्तों। सो रिन्यूअल को यहाँ पे आप लोगों को भरने के लिए आप लोग जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आज भरने के लिए आप लोगों को अपने क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करना है, sarkarijob.cu। ये वेबसाइट जब सर्च करोगे सो आप लोगों को यहाँ पे जो है फर्स्ट पोजीशन पे इस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म इस पर क्लिक करने आया है। जब आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे जो है आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक अप्लाई पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को। यहाँ पे जो है मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये होते हैं फ्रेश के 3 और ये होते हैं नीचे के रिन्यूबल के 3। तो रिन्यूबल में ही आप लोगों को करना है प्री मैट्रिक 9-10, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11-12, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 11-12 को छोड़कर UG, PG, BSc, BA, BSc ये सब आते हैं, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट यानी कि तुम अगर अदर स्टेट से हो तो यहाँ पे भरना। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरव्यू 11-12 को छोड़कर यहाँ पे मैं भरूँगा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ईजी है। आप लोगों को पिछले जो फॉर्म भरा होगा, अगर जो रिन्यूअल कर रहे होगा, तो पिछले ईयर का आप लोगों को रजिस्ट्रेशन 19-20 का सत्र का होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। अगर जो भूल गए हो तो दोस्तों आप लोगों को फॉरगेट कर लेना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड फॉरगेट करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिछले ईयर का मैं रजिस्ट्रेशन डाल लेता हूँ, उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पे डाल लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप लोगों को डालना है, जो आधार कार्ड से लिंक हो, मोबाइल नंबर वही आप लोगों को डालना है, नहीं तो आप लोगों का आधार कार्ड लास्ट में वेरीफाई नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है। ये आप लोगों को वही नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो आधार से वेरीफाई हो। सो यहाँ पे ये मैं कैप्चा डाल लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से कैप्चा मैं ये डाल लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कैप्चा डाल लिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का प्रिंट निकलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है सबमिट जब आप लोग कर लेना है यहाँ से, बहुत ईजी है दोस्तों। सबमिट के बाद दोस्तों आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, आपका नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन सत्र 2020-21 के लिए सफलतापूर्वक हो चुका है। आपका नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन ये रहा, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड ये रहा। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम लॉगिन में होता है। जब आप लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन मांगता है, वेरिफिकेशन कोड मांगता है, पासवर्ड मांगता है, तब आप लोग लॉगिन होते हो अपने फॉर्म में। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं लॉगिन पे फिर से आ जाता हूँ, यहाँ पे आऊँगा मैं फिर से दोस्तों लॉगिन पे। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से मैं क्रोम पे आया, यहाँ से जो है लॉगिन में आऊँगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को सॉरी पोस्ट मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, अदर देन का इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश दिखाई रही दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट देख के यहाँ रिन्यूबल करना है। सो होम पे क्लिक करूँगा, रिन्यूबल करूँगा मैं दोस्तों। सो यहाँ स्टूडेंट पे आना है, उसके बाद रिन्यूबल लॉगिन दिखाई देगा लास्ट में, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट लॉगिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। जो भी आप लोगों का प्री मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना, जो भी करना चाहते हो रिन्यूअल। तो यहाँ पे रिन्यूअल आ चुका है, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11-12 को छोड़कर प्री मैट्रिक का कर रहे हो तो नहीं तो इसका प्री मैट्रिक आएगा, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का होगा तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ये रजिस्ट्रेशन जो मिला था वही यहाँ पे डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन डाल लेना है आप लोगों को, उसके बाद यहाँ जन्मतिथि जो भी हो आप लोगों को यहाँ पे डाल लेना है, ठीक
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं जन्मतिथि डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आप अपना वेरिफिकेशन कोड डालें जो भी मिला था आप लोगों को वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद ये नीचे कैप्चा आप लोगों को डाल लेना है। सो कैप्चा यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। सो यहाँ पे ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये खुल चुका है। सो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेना है, अपने जो भी यहाँ पे पढ़ना है बड़े आराम से आप लोगों को डिटेल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने उपयुक्त सभी बिंदुओं को पढ़ लिया है। सो यहाँ पे जो आप लोगों को सभी बड़े आराम से पढ़ना है सब कुछ दिया गया है। आवेदन पत्र का यहाँ पे जो है सब कुछ, फेल छात्र जो है वे क्या करें सब कुछ दिया गया है। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ उपयुक्त बिंदुओं को पढ़ लिया है। प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करोगे सो दोस्तों यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आता है नवीनीकरण पत्र को संशोधित करें। सिर्फ ओनली नवीनीकरण पत्र पे संशोधित करें, आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना होगा रिन्यूअल का, ठीक है। सो इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, उसके बाद शैक्षणिक यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों। सो आप लोगों को जो यहाँ पे जो है सब कुछ पहले ही से भरा होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो भी है यहाँ पे जो भरना है दोस्तों वो आप लोगों को रेड से यहाँ पे दिखाई देगा, वो आप लोगों को यहाँ पे भरना है दोस्तों। यहाँ पे पहले ही से भरा हुआ है, जहाँ से पाठ्यक्रम की वर्ष की अवधि यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे वो सब कुछ आप लोगों को ऐसे भरना है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूँ काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम का नाम कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा, उनको बता दूँ ये जो होता है ये पहले से सिलेक्ट होता है तो अब ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम बर्थ का ब्रांच भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये पहले ही से सिलेक्ट होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं रिन्यूअल में होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बस आवासीय दिवा छात्र ये सब कुछ चेंजमेंट होता है, और यहाँ पे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि वो चेंज होता है, और यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की तिथि जो प्रवेश प्रथम वर्ष में लिया होगा वो तो सेम होता है, ये कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज नहीं होता है, ठीक है, पहले ही से ये सब कुछ भरा होता है, तो मेरा सब कुछ पहले ही से ही सही है दोस्तों। बस ये डेट हमने वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि का डेट बदला है, जो आप लोग अभी एडमिशन लिए होगे, कब एडमिशन लिए हो, कब रजिस्ट्रेशन किए हो, उसकी डेट भरना है दोस्तों। ये 12 अगस्त मैंने भर दी है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सही है। उसके बाद ये कैप्चा मैं यहाँ पे भरूँगा दोस्तों 83229। सो यहाँ पे ये कैप्चा भर दिया, उसके बाद मैंने सब उपयुक्त सब कुछ प्रमाणित कृत करता हूँ, ऑनलाइन पत्र से सभी जांच लिया है और त्रुटिवत ये सब कुछ यहाँ पे जो है। और यहाँ पे दोस्तों 19 नंबर पे बहुत सारे विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटेड एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक जो है स्टूडेंट नहीं भर पा रहे, तो ये जो होता है आप लोगों की पिछली कक्षा की मार्कशीट में जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें पंजीकरण क्रमांक देखना है, रोल नंबर यहाँ नहीं भरना है, ये ध्यान रखना है आपको, पंजीकरण क्रमांक भरना है, रोल नंबर यहाँ पे 9 नंबर पे नहीं भरना है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को मार्कशीट में अपने मिल जाएगी जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ये सब कुछ आप लोगों को भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ये सो दोस्तों मेरा भर चुका है यहाँ से ये। उसके बाद निजी पे आना है दोस्तों, यहाँ पे निजी पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो होता है दिव्यांग छात्रों, ये पहले ही से सब कुछ सही है, ये सब कुछ सही है मेरा। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये कैप्चा भरना है 19326। सो यहाँ पे ये भरने के बाद मैंने पे सब कुछ भर लिया है, क्लिक उस पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सो ये अपडेट हो जाएगा आप लोगों का, ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र और जाति
फॉर्म संख्या और यहाँ पे आय जो है, जो भी चेंज कमेंट करना चाहते हो वो कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं चेंजमेंट करना चाहूँगा क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपायर हो चुका है आय जांच। सो दोस्तों मैं यहाँ पे सेम भर के दोस्तों अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे ये होता है रिन्यूबल में फायदा, पहले ही से सब कुछ भरा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पे यस पे क्लिक करके अपडेट कर देना है। तो दोस्तों ये अपडेट हो गया है। उसके बाद आता है बैंक दोस्तों। आप लोगों को जब बैंक खुलेगा उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम आप लोगों को डालना है, जो भी आप लोगों का बैंक हो। पहले ही से सिलेक्ट होता है रिन्यूबल में, जनपद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे छात्र छात्रा बैंक खाता भी सेम, ये जो है अपडेट नहीं करूँगा, ये पहले ही से भरा होता है। ब्रांच का नाम और रैया, और यहाँ पे छात्र छात्रा दोबारा अपना बैंक खाता डालें दोस्तों। यहाँ पे दोबारा मैं डाल लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से 2976 तो 28 तो ये डाल लिया। और बैंक का नाम अंकित, यहाँ पे जो है सेविन पे छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम सुमित कुमार सही है। ये सब कुछ सही है दोस्तों, इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो है इसको मैं अपडेट करूँगा। सो ये भरने के बाद मैं पे क्लिक करना है और यस पे अपडेट कर देना है। तो ये अपडेट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है शुल्क संबंधी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का शुल्क संबंधित यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये मेरा मैच नहीं हुआ छात्र छात्र, ये सो दोस्तों अपडेट हो चुका है मेरा। तो दोस्तों ये भर चुका है मेरा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आता है यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यानी कि ये आप लोगों को चेंजमेंट होती रहती है। जो भी आप लोगों को हो इसको आप लोगों को जानने के लिए अपने कॉलेज में जाना है। अपने कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को इसमें भरना है दोस्तों। सो यहाँ पे मेरी नॉन रिफंडेबल सेम रहेगी। सो मैं ये कैप्चा भर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये कैप्चा भरने के बाद बस अपडेट पे क्लिक कर देना है। मैंने ये सब कुछ भर लिया, उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों अपडेट करोगे ये अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में आता है आप लोगों का गत वर्ष का परीक्षा फल। अगर जो आप लोग यहाँ पे पिछली कक्षा में पास हुए हो या प्रमोट हुए हो, अगर जो प्रमोट हुए होगे तो आप लोगों को प्रमोट करना है। और गत वर्ष परीक्षा का प्रणाली सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर प्रणाली बन लीजिए, वार्षिक प्रणाली है वार्षिक वर्ष। तो मैं पिछली कक्षा में प्रमोट हुआ हूँ तो प्रमोट यहाँ पे लिखूँगा। और अंकित पूर्णांक कितने का पूर्णांक था दोस्तों, वो भी आप लोगों को लिखना है दोस्तों। सो यहाँ पे जो है पूर्णांक यहाँ पे नहीं आ रहा है। और जो भी आप लोगों को प्रमोट हो उसके बाद यहाँ पे गत वर्ष का प्राप्तांक, आप लोगों ने कितने प्रमोट में नंबर पाए हैं, 417 पाए हैं मैंने। और गत वर्ष का पूर्णांक कितने पूर्णांक था पिछली कक्षा में, ये तो आप लोगों को वो डालना है। 600 पूर्णांक हो तो 600 डालना, जो भी आप लोगों को हो दोस्तों वो डाल लेना है आप लोगों को, ओके। और आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को चेंजमेंट करना है। 500 का पूर्णांक डाल लेता हूँ क्योंकि इंटर का भरूँगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ। सो नंबर 417 डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आ गया। और शिक्षक का यहाँ पे नाम डालना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा डाल लेना है आप लोगों को। यहाँ पे कैप्चा मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद अपडेट कर देना। सो दोस्तों जब भी आप लोग अपडेट करोगे सो आप लोगों का ये सब कुछ अपडेट हो चुका है लास्ट में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बचता है यहाँ पे दोस्तों लास्ट में पहले नंबर पे आप लोगों को दिखाई देगा सक्सेसफुली अपडेटेड। ये आप लोगों को अपडेटेड आता रहेगा सक्सेसफुली, तो आप लोग समझ लेना मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, भर चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आता है फ़ोटो अपडेट करें।
सो अपलोड यहाँ पे करने के लिए आप लोगों को सिंपली है कि यहाँ पे चूज करना होगा, जो भी आप लोगों की फ़ोटो हो वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो मैं अपने फ़ोटो जो है यहाँ पे जो ढूंढता हूँ दोस्तों, आप लोगों को 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों को फाइल। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ़ोटो इरेजर आप लोगों को यहाँ पे रिसाइज जो है एक एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पे प्ले स्टोर पे, उसको आप लोगों को डाउनलोड करके अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा लेना है। और ये फ़ोटो देख सकते हो 11.9 KB की है दोस्तों। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन करूँगा, सो ये अपलोड हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग व्यू भी कर सकते हो यहाँ से। बहुत ही साधारण ऐसे फ़ोटो आप लोगों को अपडेट करना है, अपलोड करना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे संशोधित जो है कर लेना है, जो भी यहाँ पे फिर से संशोधित कर लेना है अगर जो करना चाहो गलत हो गया है। उसके बाद प्रमाणीकृत आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन नया है आया है दोस्तों। आप लोगों को आधार अपनी प्रमाणीकृत यहाँ पे आधार नंबर अपना डालना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर दोबारा डालना होगा। बस दोबारा आधार नंबर एक बार, फिर दोबारा आधार नंबर डाल के और ये कैप्चा आप लोगों को डालना है, वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को दोबारा अपना आधार नंबर डालना है। सो यहाँ से मैं ये दोबारा डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये डाल लिया है। उसके बाद ये कैप्चा आप लोगों को भरना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है और यहाँ पे मैंने पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। सो आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों को जब सहमति दोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोगों को वेरीफाई करना है अपना। सो ये वेरीफाई हो जाएगा आप लोगों का फॉर्म जो है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे एस पे आ जाएगा। उसके बाद जांच हेतु प्रिंट करें और यहाँ पे जांच हेतु उपरांत सबमिट करें, जमा 3 दिन बाद आप लोगों को फाइनल प्रिंट कर लेना है, फाइनल सबमिट कर लेना है। सो आप लोगों का स्कॉलरशिप भर चुका है। ऐसे आप लोगों को रिन्यूअल का फॉर्म भरना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि पहले से रिन्यूअल का फॉर्म भरा होता है, बस अपडेट अपडेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, तो आई होप